मौका मिला है, किस तरह से देखते हैं आप, कितनी बड़ी चुनौती रही और प्राथमिकता क्या है, क्या सुधार की गुंजाइश है आप? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पार्टी का जहाँ पर भी पहुँचा हूँ, जो भी जिम्मेवारी दी है, उसकी पृष्ठभूमि में मेरे पास कार्यकर्ता का भाव है, फीलिंग ऑफ कार्यकर्ता। और मैंने कभी किसी पद के लिए, कभी किसी प्रतिष्ठा के लिए कभी काम नहीं किया। और एक कार्यकर्ता के नाते जब जब मुझे संगठन ने, सरकार ने जिम्मेवारी दी, उसको मैंने अपनी सामर्थ्य, हिम्मत, धैर्य और समझ के अनुसार काम किया है। स्वास्थ्य विभाग में मैंने काम किया और जैसा संगठन ने, सरकार ने, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया, मुझे इस विधानसभा का अध्यक्ष बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने आज विधानसभा में भी अपनी बात को बड़े तथ्यात्मक रूप से आप सभी के सामने रखा है कि मैं उस स्थान पर बैठा हूं जहां न्याय की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है, और उस स्थान को सुशोभित करने की कोशिश करूंगा जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुझाव, सत्ता पक्ष की उपलब्धियां और विपक्ष के सुझावों को उस दिशा में लेकर के जाऊं जहां पर उन परंपराओं को हम आगे बढ़ा सकें, जीवित रख सकें। मेरे पूर्व, मेरे से निवर्तमान अध्यक्षों ने भी उस दिशा में काम किया है और मैंने अपने विधानसभा के धन्यवाद प्रस्ताव में भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के तमाम जितने मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी उस गौरवमयी पलों को या अपने कार्यकाल को उस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश की कि शिखर की ओर बढ़े हिमाचल प्रदेश। तो मैं उसमें अपने आप को, उस महायज्ञ में मैं भी एक कार्यकर्ता और अध्यक्ष के रूप में अपनी आहुति डालूंगा। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश करूंगा और हम आगे बढ़ें। चर्चाएं भी होंगी, विचार विमर्श भी होंगे, तलखी भी होगी, भावुकता भरे क्षण भी आएंगे, पर मैंने कहा है कि वाणी व्यवहार वो बोलना चाहिए, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। आगे सब।